तो अगला सवाल है, आपकी वाइफ किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करती है? ये तो बहुत आसान है, मुझे पता है। एंड टाइम अप, प्लीज लिखना बंद कर दीजिए और अपने अपने राइटिंग बोर्ड्स अपने पास ही रखिए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले कपल की तरफ, निरंजन जी एंड सविता जी, क्या जवाब लिखा है इन्होंने? खराटे, भाई खराटों से तो देश की हर बीवी को प्रॉब्लम है, क्या कहते हैं आप? तो आगे बढ़ते हैं हम रोहित एंड माया की तरफ। इतवार बाजार से शॉपिंग, वाह काफी हाईफाई कपल आए हैं हमारे यहां, इनके लिए जोरदार तालियां। तो आगे बढ़ते हैं वैभव और श्रेया की तरफ, और इन्होंने लिखा है झूठ। भाई हां, झूठ से तो हर इंसान को नफरत होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि विद्याधर जी को क्या लगता है कि अदिति जी सबसे ज्यादा किससे नफरत करती है। शुरुआत करते हैं अदिति से। अदिति ने लिखा है मॉनसून, और विद्याधर जी ने लिखा है मैं। यानी कि आपकी बीवी सबसे ज्यादा नफरत आपसे करती है? हाँ, सबसे ज्यादा मुझसे ही नफरत करती। देखिए, हर पति को यही लगता है कि उसकी बीवी उससे नफरत करती है, बट आई एम श्योर आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है। तो अब बारी है हमारे अगले राउंड की, जिससे पता चलेगा कि हमारे इन प्यारे प्यारे कपल्स में केमिस्ट्री कैसी है। तो आप अपने सामने ये पेपर्स देख रहे हैं, आपको इन सब पेपर्स पे नाचना है। पेपर्स धीरे धीरे फोल्ड होते जाएंगे, तो जो कपल एंड तक डांस करता हुआ पाया जाएगा वही होगा हमारा विनर। आइए आइए शुरू करते हैं हमारा ये राउंड। सारे कपल्स अपने अपने रखे सामने पेपर्स पे आ जाएं। सविता, बच्चों को ही करने दो, अभी कहां। ठीक है, चलो। अच्छा, अब नॉर्मल हो जाओ, डांस करना है कि नहीं? नहीं नाचना यार। कुछ भी करते रहती है। अब वो वाह, अब थोड़ी देर के बाद कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के बाद। हाँ, भाई साहब, भाई साहब, ये बाथरूम किधर है? आगे जाके राइट ले लीजिए। थैंक यू। हेलो। हाँ बेबी, बेबी सुनो तो। अरे यार, तुम समझते क्यों नहीं हो यार मेरी बात। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूं। दीदी प्लीज ऐसे मत रोइए, तुम ज्यादा केयर करने के ड्रामे मत करो, जाओ यहां से, मेरी किसी को परवाह नहीं है। नहीं दीदी, मुझे पता है जीजा जी का मूड क्यों खराब है, मैं वही बताना चाहती थी आपको। ये देखो श्रेया, तू यहां है, मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी, जरा आना तो। श्रेया, क्या कहा था मैंने कि तुम अदिति से कुछ नहीं कहोगी, फिर भी तुम उसे सच बताने जा रही थी। पर मम्मी, जैसा आप सोच रही हो वैसा नहीं है। बस श्रेया, मेरे मना करने के बाद भी तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है ना, क्या मिलेगा तुम्हें अदिति को ये बता के कि उसके पति का किसी और लड़की के साथ। माना के बाद बहुत बिगड़ गई थी वो लड़की, दामाद जी को ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन अब तो बात संभल गई है ना, वो लड़की दामाद जी की जिंदगी से जा चुकी है, तो
तो फिर क्यों तुम अदिति को सच बताने पे अड़ी हो? मेरी बात तो सुनिए, मैं दीदी को जीजा जी के अफेयर के बारे में बताने नहीं जा रही थी। मैं उन्हें ये उनके रिजल्ट्स बताने जा रही थी, आईएएस एग्जाम रिजल्ट्स, जिसमें वो इस बार भी फेल हो गए। माइक तो ऑन था। अदिति ने सब सुन लिया। अरे क्या कर रही हो अदिति? अदिति क्या कर रही हो? आज तुम्हारी धुलाई होगी, उठो। उस वनीता के साथ अफेयर चल रहा है ना तुम्हारा? बोलो। ये क्या कह रही हो अदिति? तीन साल से तुम्हारी ये एस की तैयारी चल रही थी, हाँ? अदिति ये बात नहीं है, देखो। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया तुम्हारे और विनीता के बारे में। मेरे पीठ पीछे तुम ये कर रहे थे? बोलो, तुम्हारा विनीता के साथ अफेयर चल रहा था या नहीं? हाँ नहीं, बोलना इतना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अदिति। मैं अफेयर चल भी रहा था और नहीं भी चल रहा था, मैं तो बस हल्की फुल्की फ्लर्टिंग करने के लिए ऐसा मजाक मस्ती कर देता था, पर वो सीरियस हो गई। और कसम से अदिति, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुप। मैं सच कह रहा हूँ। वो टैटू, वो अंगूठी और वो ए नहीं वी था ना, तुम मुझे घुमाते रहे और मैं बेवकूफ की तरह तुम्हारी हर बात मानती रही। अदिति मत भटकाना मुझे। अदिति मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ। इस वीडियो को देखकर तुमको पता चल जाएगा कि मैंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। अदिति तुम देखो, देख के पता चल जाएगा। हाउ मच आई लव यू। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सबूत। तासुमा, अरे अदिति, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अदिति क्या कर रही हो? अदिति माया, वैभव रोको इसे। हाँ, कोई भी इसमें नहीं आएगा। क्या बोलते थे तुम? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मिस करता हूँ, ये सब चल रहा था तुम्हारा। I'm sorry अदिति, मुझे माफ कर दो। अगर तुम मारना चाहती हो तो मार लो, पर माफ कर दो अदिति। मैं तो तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। दीदी अदिति, अरे माया जी, भाभी साइड हट जाओ। अरे साले साहब, साइड हट।
अरे लग जाएगी किसी को। आई एम रियली वेरी सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली घर में एक फैमिली इशू चल रहा है तो पार्टी हमें यहीं खत्म करनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, अपने जीजा को संभालो, बड़ी पहुंची हुई चीज निकले वो तो। चलो मैडम। ए जीजा, अदिति, अदिति, अदिति प्लीज मेरी बात सुनो। देखो अदिति, अदिति, अदिति नहीं, मेरी बात सुन अदिति। अरे यार अदिति क्या कर रही हो? अदिति, अदिति, अरे अदिति, दीदी, अदिति मरना मत। हाँ भाग रहे हो? नहीं यार, अपनी गर्लफ्रेंड के पास? नहीं अदिति, मुझे माफ कर दो यार। माफ कर दूं? मैं तो तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। देखो अदिति, अरे अरे दीदी लग जाएगा। अदिति लग जाएगा, अरे दीदी, अदिति, अदिति क्या कर रहे हो? अरे अदिति लग जाएगा, लग जाएगा। अदिति, अदिति क्या कर रहे हो? अरे अदिति, अरे दीदी, अरे लग जाएगा अदिति। अरे रुको, नहीं छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें दीदी। शादी होने के बाद भी इतने साल अकेली रही, इतना सेक्रिफाइस किया मैंने। सोचती रही कि ये यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर ये तो मुझे ही धोखा दे रहे थे। इस किससे नहीं लड़ी मैं इनके लिए? घर जमाई बोल बोल के लोगों ने कितना मजाक उड़ाया इनका, सबके मुंह बंद करती रही मैं। मेरे होते हुए मजालक को इनके खिलाफ एक शब्द भी बोल के दिखाए, इतना प्रोटेक्ट करती थी मैं इन्हें, क्योंकि मुझे उस इंसान में सच्चाई दिखती थी। पर उसने तो मुझे ही बेवकूफ बना दिया, उसने मेरा ही मजाक बना दिया। अदिति घर चल बेटा, यहाँ इधर सबके सामने। अब क्या छिपाओगी तुम? सबको पता तो चल गया है तुम्हारे दामाद की करतूत। ये सब तुम्हारे नाक के नीचे हो रहा था सविता, और तुम्हें भनक तक नहीं पड़ी। मंदिर पूजा पाठ के काम से फुर्सत मिले तो घर पे ध्यान दोगी ना तुम? चल बेटा घर चल। रोहित तुम्हें पता था क्या जीजा जी का अफेयर चल रहा है? कमाल करती हूँ मैं, अगर मुझे पता होता कि जीजा अदिति को धोखा दे रहा है तो मैं चुपचाप बैठता। बहन है वो मेरी। वैसे पता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, कितने शरीफ लगते थे वो मुझे, शक्ल से लल्लू भी। उन्होंने कैसे गर्लफ्रेंड बना ली? से आजकल तो किसी का भरोसा ही नहीं है। सुनो तुम कभी कोई ऐसी हरकत मत कर देना, ऐसा हाल करूंगी ना तुम्हारा, सीधा कोर्ट में लेके जाऊंगी तुम्हें। अरे माया सीधा कोर्ट कहां पहुंच गई? मतलब दुनिया में कोई भी कांड हो जाए तो उस बात को लेकर तुम मेरे पीछे पड़ जाओगी, और मैं क्यों बनाने के लगा गर्लफ्रेंड? एक के खर्चे रोहित। ये कौन है? वो अरे तुम उस दिन ऑफिस में आई थी ना, मेरा कलीग दिनेश, हम साथ में काम करते हैं। तो मैं आता हूँ जरा। सुनो जल्दी आना, जमीना टेंशन हो गई है, हजरत पिज्जा ही खाना पड़ेगा। टेंशन में कौन पिज्जा खाता है यार? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते दिनेश, माया चलो आ जाओ।
अरे नमस्ते नमस्ते। अरे तूने भाभी जी से इंट्रोडक्शन नहीं करवाया? बताना चाहिए था ना कि मैं वही हूँ जिससे दूध में मिलावट करवा करवा के आपने ये प्रमोशन हासिल किया है और अकेले अकेले पार्टी भी मना ली। तुझे कितनी बार बोला कि घर पे नहीं आने का, समझा? कुछ क्या 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 आफत आ गई? अर्जेंट है इसीलिए आया हूँ। वो क्वालिटी कंट्रोल वाला बंदा याद है जिससे हमने दूध की क्वालिटी की गलत रिपोर्ट बनवाई थी? हाँ हाँ, उसे अपना हिस्सा नहीं मिला है। वो बहुत भड़का हुआ है, कह रहा था कि अगर उसे 50,000 रुपए नहीं मिले तो वो सबका भांडा फोड़ देगा और वो सबको बता देगा तुम्हारी इस दूध की मिलावट को। रिलैक्स रिलैक्स, वो सिर्फ धमकी दे रहा है बस, वो कुछ कर नहीं सकता, तू टेंशन मत। अरे लेकिन उसे पैसे तो देने पड़ेंगे ना। हाँ तो मैं दे दूंगा ना उसे 50,000 रुपए, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू जा। अच्छा चलो। क्या चलो? जो भी बात करनी है तुम खुद करो, उसने तुम्हें बुलवाया है अभी। हाँ चलो। अदिति, जब तक हम ना चाहे कुछ भी खत्म नहीं होता। दामाद जी से गलती हुई है और उन्होंने मान भी ली है, तू भी उन्हें माफ कर दे बेटा। हर गलती के लिए सजा देना भी एक गलती होती है अदिति, तू ये गलती मत करना। भला ही झगड़े में नहीं, साथ चलने में। पर मम्मी, इस बारे में दीदी को डिसीजन लेना चाहिए ना। दामाद जी ऐसी हरकत करेंगे कभी सोचा नहीं था, पर तू परेशान मत हो बेटा, हम कुछ बिगड़ने देंगे नहीं। घर की बात है, घर ही में हल निकाल लेंगे। अदिति, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक करेंगी आप? हाँ, मेरे पति का अफेयर चल रहा है और मुझे कब पता चल रहा है? सबसे आखिरी में। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? दीदी, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी एनिवर्सरी पार्टी में, लेकिन वाह, द ग्रेट श्रिया मैडम, आपको क्रेडिट कैसे नहीं मिलेगा? आपने मुझे बताने की कोशिश की थी, लेकिन ठीक है, मैंने तुझ पे विश्वास नहीं किया। लेकिन जब तुम्हें सबूत मिल गया था, तुमने मुझे आगे कुछ क्यों नहीं बोला? अदिति को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो उनकी पत्नी है, उनका हक है सच जानने का। श्रेया, जिद मत करो, बात संभल चुकी है। अब तो वो विनीता भी उनकी जिंदगी से जा चुकी है और दामाद जी को अपने किए पे पछतावा है, तो बात को आगे क्यों बढ़ाना? और आप, अगर मैं स्पीकर में आप दोनों की बातें नहीं सुन लेती तो इसका मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे लगा ये सब तेरे भले के। बस बस मम्मी बस, अभी ये मत कहना तेरे भले के लिए नहीं बताया तुझे। बचपन से देख रही हूँ आपको कि कितना भला किया आपने मेरा। दोनों भाइयों के सामने तो मैं आपको कभी दिखी ही नहीं। माँ बाप के लिए तो बस बेटा ही इन्वेस्टमेंट होता है ना। जो कुछ भी करना है सब उनके लिए अच्छा करना है, उनके लिए अच्छा स्कूल देखना है, उनके लिए अच्छी ट्यूशन देखनी है, बेटी का क्या? हाँ, उसके तो कोई सपने ही नहीं है, उसे तो कुछ करना ही नहीं है, बस एक न एक दिन तो उसकी शादी होनी है। कम से कम वो तो ठीक से करवा देती मम्मी आप। अपने बेटों के लिए तो आप अमीर घर की बहुएं लेकर आई हैं और मुझे एक स्ट्रगलर के पल्ले बांध दिया आपने।
करेगी आप मेरी? अदिति बस, ये कोई तरीका अपने माँ से बात करने का? हमने तुम मैं वैभव और रोहित में कभी कोई फर्क नहीं किया। माँ बाप के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। नहीं होते हैं पापा, ये बात आपने मुझे बचपन में ही साबित कर दी थी। आपको याद है जब रसोई में आग लगी थी, आप रोहित भैया को गोद में उठा के बाहर भागे थे और मम्मी वैभव को, पर मुझे मुझे आपने कहा अदिति अदिति जल्दी भाग कर आ। क्यों नहीं, उस वक्त तो मैं भी गोद में उठाने के लायक थी ना पापा। नहीं बेटा, वो तो हाथ से नहीं पापा, बचपन से ही मैं आप दोनों के लिए हमेशा लास्ट नंबर में रही हूँ। अदिति बेटा, ऐसा नहीं है बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? बस बस कीजिए, आप दोनों ने मेरी लाइफ के डिसीजन जो लेने थे ले लिए, अब आज के बाद मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लूंगी।